दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज है 17 जून, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 विभागों के अंतर्गत सीधी बड़ी भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें कुछ भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस विभाग के अंतर्गत न्यू नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन 6 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट इसमें सब इंस्पेक्टर SI मेल और फीमेल ग्रुप सी की। जी हाँ दोस्तों, टोटल 465 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बात अगर यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जाए तो सब इंस्पेक्टर SI मेल कैंडिडेट्स के लिए 400 यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। सब इंस्पेक्टर SI फीमेल के लिए 65 वैकेंसीज है। तो टोटल 465 वैकेंसीज है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल के लिए 144 है, SC के लिए 72 है, BCA के लिए 56 है, BCB के लिए 32 है, EWS के लिए यहाँ पर 40 है, ESM जनरल के लिए 28 है, ESM SC के लिए 8 है, ESM BCA के लिए 8 है, ESM BCB के लिए भी 12 वैकेंसीज है। इसी तरह जो सब इंस्पेक्टर फीमेल की वैकेंसीज है इसमें जनरल के लिए 24 पद है, SC के लिए 12 है, BCA के लिए 9 है, BCB के लिए 5 है, EWS के लिए 6 है, ESM जनरल के लिए 5 है, ESM SC के लिए 1, ESM BCA के लिए 1 और ESM BCB के लिए भी 2 वैकेंसीज है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। सैलरी की अगर इसमें बात की जाए तो 35,400 से 112,400 लेवल 6 के अंतर्गत सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। आयु सीमा मिनिमम 21 और मैक्सिमम 27 वर्ष है। फीस जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹150 है और जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ₹75 है। SC BC EWS हरियाणा के जो मेल कैंडिडेट्स है उनके लिए ₹35 है और SC BC EWS फीमेल है जो हरियाणा स्टेट के उनके लिए ₹18 शुल्क है। EX सर्विसमैन जो हरियाणा स्टेट के हैं उनको कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटर्न टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, PST, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, PMT के आधार पे। बात अगर फिजिकल टेस्ट की जाए तो इसमें रनिंग मेल कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, फीमेल कैंडिडेट्स को 1 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, EXS मैन को 1 किलोमीटर की रनिंग 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। हाइट यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर है। हाइट यहाँ पर फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए है, 156 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए है। चेस्ट भी आप देख सकते हो ओनली मेल के लिए रिक्वायर्ड है और हाइट यहाँ पर ओनली फीमेल के लिए और मेल के लिए बोथ के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसी तरह यहाँ पर आप चेस्ट देख सकते हो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, 83 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद में अंतर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए है, 4 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद में अंतर होना अनिवार्य है। अप्लाई मोड की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। HSSC.gov.in एज की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 19 जून 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 2 जुलाई 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 6 जुलाई 2021 है। एग्जामिनेशन की डेट 1 अगस्त 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की। वेरियस पद खाली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सैलरी मैनेजर के लिए 63,840 से 78,230 है। डिप्टी मैनेजर के लिए 48,170 से 69,810 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, BTech और CA से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 30, 32 और 35 वर्ष है।
एप्लीकेशन फीस की अगर इसमें बात की जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ₹750 शुल्क है। एससीएसटी पीडब्ल्यूडी को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। sbi.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 15 जून 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 जून 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक SBI में ही निकली है। इंजीनियर फायर की पोस्ट है। वेरियस वैकेंसी यहाँ पर निकली है, सैलरी 23,700 से 42,020 प्रति माह के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इसमें बात की जाए तो बी फायर और बी टेक सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग या बी टेक फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी इंजीनियरिंग या BSc फायर और ग्रेजुएट किसी इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियर से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 40 वर्ष है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए ₹750 एप्लीकेशन फीस है। SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फीस नहीं है। ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। sbi.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 15 जून 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 28 जून 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। मेडिकल ऑफिसर MO की पोस्ट है। 576 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 15,600 से 39,400 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो MBBS डिग्री से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। आयु सीमा मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस सनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो MP मध्य प्रदेश के हैं उनके लिए ₹250 है। पेमेंट आप कर सकते हो कैश, MP ऑनलाइन कियोस्क और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू से इसमें आपका चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जो लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। mppsc.nic.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 24 जून 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जुलाई 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 23 जुलाई 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली आर्मी पब्लिक स्कूल में। APS के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें PGT, TGT, PRT, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन की वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 1,300 से 45,000 है। पोस्ट वाइज आप नोटिस से चेक कर सकते हो। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 50 वर्ष आयु सीमा है। फीस पेमेंट आपको ₹100 डिमांड ड्राफ्ट से जमा करना होगा। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम के, इंटरव्यू के आधार पे। अप्लाई इसमें आप ऑफलाइन तरीके से कर सकते हो। जयपुर राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। apsjaipur.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 28 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में। पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर ट्रेनी, हिंदी टाइपिस्ट ट्रेनी, लाइब्रेरी ट्रेनी, ऑफिस ट्रेनी, कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेनी की वेरियस पद खाली है। सैलरी 16,000 से 20,000 प्रति माह के लिए है। ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। जनरल EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹350 आवेदन शुल्क है। NCL नॉन क्रिमिनलेयर OBC BC के लिए 250 है। SC ST के लिए ₹150 फीस है। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम के, स्क्रीनिंग के आधार पे, परसेंटेज एक्सपीरियंस या एज के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अहमदाबाद गुजरात जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। prl.res.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 जून 2021 है।
तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 17 जून 2021 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।